इंडिया के बाहर ये चीजें कितनी सस्ती में मिलती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक प्रोडक्ट का प्राइस कंट्री के हिसाब से काफी ज्यादा मैटर करता है। आपको पता होगा किसी भी अच्छी फॉरेन कंट्री के मुकाबले इंडिया के प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। जैसे कि लेस की चिप्स इंडिया में 5 रुपए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अमेरिका में स्टार्टिंग प्राइस ही $4 है, यानी कि इंडियन रुपए में बात करें तो 350 रुपए। और वहीं इंडियन प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कि कुरकुरे, वो अमेरिका जैसे देशों में और भी ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि इंडिया में वहाँ से लिमिटेड क्वांटिटी में इंपोर्ट होते हैं। वहाँ के रहने वाले जो इंडियन है वो उसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यूएसए इंडिया से हर मामले में महंगा है। कुछ चीजें ऐसी भी है जो इंडिया में ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि एप्पल प्रोडक्ट इंडिया की टैक्स की वजह से और एप्पल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ना होने की वजह से एप्पल प्रोडक्ट इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे एप्पल इस पर भी काम कर रही है। एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से ज्यादा महंगे हैं। फिर आते हैं न्यूट्रेंस बेस्ड सप्लीमेंट। ये सप्लीमेंट इंडिया में काफी ज्यादा महंगे होते हैं। फिर इसी के साथ क्लोथिंग ब्रांड और शूज ब्रांड भी इंडिया में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और इसीलिए कुछ लोग दुबई या अमेरिका जैसी देशों में जाते हैं तो वहाँ से ये सब चीज परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट, गोल्ड। इंडिया में शादी को फेस्टिवल की तरह बनाया जाता है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा रस्मों को फॉलो करते हैं। लेकिन एक कंडीशन इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो है गोल्ड खरीदने का। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया से सस्ता सोना दुबई में मिलता है? इंडिया में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपए के अप्रोक्स है, जबकि दुबई में 48,000 रुपए के अप्रोक्स मिलता है। और दुबई में तेल तो बहुत है, लेकिन पानी बहुत ही कम है, इसीलिए वहाँ समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। और इसीलिए वहाँ 1 लीटर पानी की कीमत 90 से 100 रुपए के बीच है। पानी के बाद बहुत ज्यादा पीने वाली चीज है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया में कोका कोला सबसे कम प्राइस में मिलता है। वहीं स्विट्जरलैंड में 300 ml कोक का प्राइस 388 रुपीज है, जबकि इंडिया में 300 ml कोक सिर्फ 20 रुपए में मिल जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।